आरसीबी के घर पर पानी की किल्लत, कैसे होंगे आईपीएल के मुकाबले, क्या बदल जाएगा आरसीबी का होम ग्राउंड, टूटा मुसीबतों का पहाड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दारू। स्वागत है आपका हमारी चैनल स्पोर्ट्स आर पर। आईपीएल 2024 की शुरुआत में बस कुछ दिनों का ही वक्त बचा है और उससे पहले आरसीबी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। बात यहां तक हो रही है कि आरसीबी को अपना होम ग्राउंड बदलना पड़ सकता है या फिर आईपीएल के मुकाबले शिफ्ट करने पड़ सकते हैं। ऐसे तो अक्सर बात होती है जल ही जीवन है को लेकर, पानी बिना जीवन नहीं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, आज अचानक आप सोच रहे होंगे कि पानी की बात हम अचानक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आरसीबी का घर यानी कि बेंगलुरु इन दिनों पानी की दिक्कतों से जूझ रहा है, बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। अब इसका असर आपको आईपीएल में कैसे और किस प्रकार देखने को मिल सकता है, इस रिपोर्ट में बात करते हैं। भारत के सबसे बड़े शहरों में एक बेंगलुरु कई वक्त पहले से पानी की कमी महसूस कर रहा है। करोड़ों की आबादी वाले इस शहर में लोग पानी को तरस जाते हैं और इन दिनों पानी बचाने को लेकर बेंगलुरु खूब जद्दोजहद कर रहा है। यहां तक कि लोगों को पानी की इतनी दिक्कत हो रही है कि लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसके चलते बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि बागवानी यानी कि किसी गार्डन या फिर गाड़ी धोने जैसे किसी अन्य कार्यों के लिए पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। पानी का इस्तेमाल वही हो जहाँ पानी पीने और महत्वपूर्ण कार्य की जरूरत हो। अब बेंगलुरु में पानी की कमी की वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि बेंगलुरु में होने वाले आईपीएल के मुकाबलों में इसका असर देखने को मिलेगा। मांग की जा रही है कि बेंगलुरु में होने वाले आईपीएल के मुकाबलों को कहीं और शिफ्ट किया जाए जिससे आईपीएल में किसी भी मैच में कोई दिक्कत ना आए। आपको बता दें, आईपीएल का जो शेड्यूल सामने आया है उसमें अब तक 3 मैच बेंगलुरु में होने हैं। पहला आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच 25 मार्च को, दूसरा मुकाबला आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 29 मार्च को, और जो तीसरा मुकाबला है वो है आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 2 अप्रैल को। अब इन तीनों मैचों को लेकर फैंस इसलिए टेंशन में हैं कि कहीं पानी की कमी की वजह से इन मुकाबलों में कोई दिक्कत ना आ जाए, मैदान में दिक्कत ना हो। जाहिर सी बात है, क्रिकेट मैच से पहले मैदान को तैयार करना पड़ता है, मैदान को तैयार किया जाता है, पानी मैदान के आउटफील्ड और पिच के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ऐसे में कहीं पानी की दिक्कत ना हो जाए, लेकिन फिलहाल घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये अच्छी खबर है। क्योंकि खबरों के मुताबिक कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अधिकारी शुभेंदु घोष ने इस बात को साफ कर दिया है कि बेंगलुरु में जो पानी का संकट है उसका आईपीएल के मैचों पर कोई असर नहीं होगा, सभी 3 मुकाबले आराम से बिना किसी परेशानी के होंगे। उन्होंने बताया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के सीवेज प्लांट का पानी पिच और आउटफील्ड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उतना पानी हमारे पास पर्याप्त है जितना हमें ज़रूरत है, हमें ज़मीनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल हम किसी भी संकट का सामना नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, पानी के इस्तेमाल को लेकर हमें राज्य सरकार से जानकारी मिल गई है और हम सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए जो है लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं और उस बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आईपीएल के मुकाबलों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलने वाला है, कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, ना ही आरसीबी को अब अपना होम ग्राउंड बदलने की ज़रूरत है। खैर, देखना होगा आरसीबी इस सीजन किन तैयारियों के साथ मैदान में उतरती है और कैसा प्रदर्शन करती है। बहरहाल, आपका आरसीबी को लेकर क्या कुछ कहना है कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें।